वेलकम टू हेलो स्कॉलर, आई एम सोनी। आप सभी मुझे अच्छे से जान ही गए हैं। तो मैं आपसे बोला था कि मैं अपना टाइम टेबल जो मैं अपनी स्टडीज़ के टाइम पे अपने लिए बनाती थी वो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने आप सब के लिए टाइम टेबल बना लिया है, वैसे ही जैसे मैं अपने लिए बनाया करती थी एग्ज़ाम टाइम्स पे। जो हमारा टाइम टेबल होगा वो डेली बेसिस के अकॉर्डिंग होगा। डेली 7 to 8 आवर्स इसको कम्प्लीट करने के लिए आपको अपनी स्टडीज़ को देने पड़ेंगे। ये 7 to 8 आवर्स आपका वो टाइम होगा जो आप सिर्फ अपनी स्टडीज़ को देंगे, अपना व्हाट्सएप सोशल मीडिया फ़ोन साइड में रख के आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। अगर आप प्रॉपर पूरी ईमानदारी से इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आपका सिर्फ SBI PO ही नहीं बल्कि और भी जो आप एग्ज़ाम्स देंगे बैंकिंग एग्ज़ाम्स वो भी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार और फिर 1-to-1 मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको इस टाइम टेबल को कैसे फॉलो करना है। अभी मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। देखिए, बैंकिंग एग्जाम्स हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ के या एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे रख के उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको 1-to-1 हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। इक्वल नहीं तो हर सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग टाइम आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप उन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ते जा रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट्स पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो आई एम सॉरी बट आपको नॉलेज में भी हो जाएगी बट आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबको इक्वली टाइम दें, अच्छे से टाइम को मैनेज करें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप ये मान के चलिए कि हम बैंक्स में मॉर्निंग 10 AM से आप 6 PM भी मान लीजिए, तो हम 8 आवर्स जॉब करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि आपकी जॉब लग गई है और आपको ये 8 आवर्स जो हैं वो स्टडीज़ को देने हैं, ताकि आज से 6 मंथ्स बाद आप सच में बैंक में बैठे हो और 8 आवर्स जॉब करें और बैंक आपको अच्छा पैकेज दे और आप एम्प्लॉयड हो। तो आइए देखते हैं टाइम टेबल। ये मैंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया हुआ है। देखिए, मैंने लिखा भी हुआ है कि ये टाइम टेबल जो है वो आपका सिर्फ SBI PO के लिए ही नहीं है, सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको 100% श्योरिटी हो और आपके बैक टू बैक एग्जाम्स निकलें या आपका कोई भी एक एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन हो, तो आपको ये टाइम टेबल डेली बेसिस पे फॉलो करना है। डेली मतलब डेली, उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं चाहिए रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं रीजनिंग पे। देखिए, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, GA, ST एंड इसके अलावा और भी है, 2 सेक्शंस हमारे रह जाते हैं, वो भी मैंने लिखे हुए हैं आपके। बैंकिंग और स्टैटिक अवेयरनेस और कंप्यूटर, मैंने सारे सब्जेक्ट्स आपको लिख दिए हैं और किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है और किस में क्या पढ़ना है ये भी मैंने लिख दिया है आपके लिए। तो पहले रीजनिंग पे आ जाते हैं। देखिए, ये टाइम टेबल मैंने उनके अकॉर्डिंग बनाया है जिनका मतलब बेसिक्स क्लियर है, जो चैप्टर वाइज पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर हैं और उनको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये मैंने उस अकॉर्डिंग बनाया है। अगर कोई न्यू कमर है हमारे साथ जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, उनके चैप्टर्स भी नहीं क्लियर हुए हैं या उन्होंने एक बेसिक जो 3 मंथ्स का बैंकिंग का कोर्स होता है वो भी नहीं किया है कहीं से, तो मैं उनके लिए भी एक बना दूंगी टाइम टेबल कि उन्हें कैसे बेसिक्स भी क्लियर करने हैं और प्रैक्टिस भी करनी है। बट ये बेसिकली उनके लिए जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, 1-2 टॉपिक्स की बात नहीं करते हैं बट मोस्टली उनके टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और उन्हें बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए, 1 आवर तो आपको रीजनिंग को देना है, डेली 1 आवर आपको रीजनिंग को देना ही देना है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं कम टाइम देकर। बट आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप डेली 1 आवर प्रैक्टिस कर रहे हैं रीजनिंग को, घड़ी देख के आपको टाइम देना है कि 1 आवर, अगर आप मॉर्निंग 8 AM बैठ जाते हैं तो 8-9 आपको रीजनिंग पढ़नी है मोबाइल साइड में रख के,
सबसे पहली कंडीशन ये है कि मोबाइल का यूज़ आपको नहीं करना है पढ़ने के टाइम पे, एटलीस्ट नहीं करना है। 1 आवर आप रीजनिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको मोबाइल यूज़ करना है आप कर लीजिए, बट इस 1 आवर में आपको मोबाइल छूना भी नहीं है। आपको या तो ऑफ करके रखना है या फिर आपको साइलेंट पे करके रखना है। तो रीजनिंग में आपको देखिए सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, हमारी वेबसाइट है हेलो स्कॉलर, उसमें आपको क्विजेस मिल जाएंगे, रीजनिंग के अच्छी अच्छी पजल्स मिल जाएंगी। आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है डेली डेली बेसिस पे। आप प्रैक्टिस करेंगे और डेली आपको एक ही क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जैसे एक दिन अगर आपने इनइक्वालिटी और पजल्स की प्रैक्टिस कर ली है, तो नेक्स्ट डे आपको सिलॉक्स की प्रैक्टिस करनी है, डीएस की प्रैक्टिस करनी है, और जो सब्जेक्ट और जो टॉपिक्स हैं इसमें उनकी प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करनी है आपको कि आप डेली 1 आवर में, एटलीस्ट 1 आवर में आप रीजनिंग के आराम से 20 to 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जहाँ से भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो किसी वेबसाइट से कर रहे हों या प्रीवियस ईयर पेपर से कर रहे हों, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होता है तो उसका सल्यूशन आपको जरूर देखना है कि वो क्यों नहीं सॉल्व हुआ, क्या दिक्कत आ रही है उसमें। अगर आपको कुछ ऐसा उसमें कॉन्सेप्ट मिलता है जो आपको नहीं पता है, तो उसे कहीं पे एक जगह एक कॉपी बना लीजिए, सॉल्यूशन डाल लीजिए उसमें और नोट करते जाइए पॉइंट वाइज। आपको बहुत काम आएगा, भले ही आप वो सॉल्यूशन कभी उठा के ना पलट के देखे, बट वो एग्जाम टाइम में जब आप उस तरह के क्वेश्चन में फंसेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा उसको याद करने के लिए और सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो डेली 1 आवर आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है केवल। और जैसे सिलॉक्स हो गया, सिलॉक्स में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, तो बीच में किसी भी दिन आप प्रैक्टिस छोड़ दीजिए और 1 आवर जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार रीड कर लीजिए। अगर आपको लग रहा हो कि आप भूल गए होंगे, या अगर आपको कहीं भी फंस रहे हो, या कोई भी और टॉपिक अगर आपका ऐसा लग रहा है जहां पे आपको लग रहा है कि आप फंस रहे हो, तो आप किसी भी दिन 1 आवर प्रैक्टिस स्किप करिए और उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए अच्छे से, और उसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ इन द सेंस जितने मैक्सिमम हो सके 50-60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए वो टॉपिक आपका फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन फिर इसके बाद आते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स में आपको 1 आवर 30 मिनट्स देने हैं। ठीक है, क्वांट्स काफी मतलब लेंदी सेक्शन है, क्योंकि अर्थमेटिक रहती है पूरी, और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस से आप मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हो सकता है कुछ लोगों की अर्थमेटिक्स बहुत अच्छी हो, वो अर्थमेटिक अटेम्प्ट करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने ज्यादा करते हो क्वांट्स में, बट जनरली आप जो प्री में जाएंगे तो प्री में आपको अर्थमेटिक बाद में अटेम्प्ट करनी है। पहले आपको डीआई हो गई आपकी, सीरीज के क्वेश्चंस हो गए, क्वाड्रेटिक अगर आती है तो वो हो गई, सिंप्लीफिकेशन आपके हो गए, डीएस हो गई। डीएस में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होते हैं जो आपसे इजिली हो जाएंगे, देखने में लगेगा आपको कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बट वो इजी होते हैं, वो इजिली हो जाएंगे आपके। तो 1 आवर आपको प्रैक्टिस करनी है। 1 आवर में आप सेम कंडीशन, मोबाइल का यूज नहीं करना है, आपको 1 आवर घड़ी देख के प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के क्वेश्चंस की। फिर चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, अगर प्रीवियस ईयर आप लगा चुके हैं तो हमारी वेबसाइट में हेलो स्कॉलर में मैथ्स में जाके आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। डीआई जरूर प्रैक्टिस करिएगा, डीआई से आपका बहुत जल्दी स्कोर आप करेंगे, क्योंकि अगर आप डीआई समझ गए हैं, एक साथ 5 क्वेश्चन आप करते हैं उसमें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन जरूर करिएगा, सीरीज जरूर प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। बाकी कौन कौन से आपके जो सेक्शंस रहेंगे इसमें ऐसे जिनसे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो मैं डिटेल में हर एक सब्जेक्ट का भी आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है उसका प्रैक्टिस, कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है, कौन से टॉपिक्स को साइड में रखना है और लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा मैथ्स में डेली 30 मिनट्स आपको टॉपिक वाइज देने पड़ेंगे, क्योंकि टॉपिक इसके काफी सारे हैं। अर्थमेटिक भी अगर आप ले लेंगे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन अगर आप नहीं भी सॉल्व करेंगे, तो अब आजकल जो डीआई भी आ रही हैं वो भी अर्थमेटिक से रिलेटेड आ रही हैं,
तो अर्थमेटिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एनी हाउ आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे। तो आप 30 मिनट्स टॉपिक वाइज ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ही सॉल्व करिए। आप एक टॉपिक उठाइए, उसके क्वेश्चंस कहीं अगर आपने सॉल्व किए हों, आपने कोई नोट्स बना के रखे हों, आप उसे एक बार देखिए, तो आपको जो उसके ट्रिक्स हैं या जो मेथड्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे और आपके लिए एग्जाम्स में क्वेश्चन को करना इजी हो जाएगा, ठीक है। और क्वांट्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ट्रिक्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि जो हमारा एग्जाम्स एग्जाम है वो टोटल एग्जाम आपका होगा 1 आवर का, ठीक है। क्वांट्स में आपको मिलेंगे 20 मिनट्स, 20 20 आई थिंक क्या है, 20 मिनट्स में, 20 मिनट्स में आपके लिए ट्रिक्स को याद करना और ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप ट्रिक्स याद करने की कोशिश करेंगे एग्जाम हॉल में बैठ गए, तो आप वहीं पे पजल्ड हो जाएंगे और आपको ट्रिक याद नहीं आएगी और आप क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। तो इसलिए आप ट्रिक्स के भरोसे बहुत ज़्यादा मत रहिएगा। आप कॉन्सेप्ट को लेके चलिए, कोई भी टॉपिक उठाइए, उसका कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, और कॉन्सेप्ट जो है वो आपको वहाँ पे काम आएगा। चाहे DI हो आपकी, चाहे अर्थमेटिक हो या DS हो आपकी, DS में भी अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। अगर अर्थमेटिक का आपको पता होगा कॉन्सेप्ट, तभी आप DS कर पाएंगे, तभी आप DI कर पाएंगे, ठीक है। क्वांट्स के लिए भी मैं अलग से, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ही मैं आपके लिए अलग से एक एक वीडियो बना दूंगी कि कैसे, मतलब सारे टॉपिक्स को कवर करना है, किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है, कौन से टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पेपर तो आता होता है, बट हम किसी भी ऐसे क्वेश्चन में फंस के रह जाते हैं और हमारा 1 आवर कब चला जाता है हमें खुद ही नहीं पता चलता, ठीक है। देन फिर इंग्लिश में आ जाइए। इंग्लिश में आपका, आपको जो सबसे पहले करना है इंग्लिश में वो है द हिंदू का एडिटोरियल। 45 मिनट्स आपको द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, द हिंदू का। और मेरा सजेशन आपको यही है कि ऑनलाइन मत पढ़िए। अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर मंगा सकते हैं और फिर पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर को पढ़ के जो आप उससे सीखेंगे वो, आई थिंक, मैं तो क्योंकि न्यूज़पेपर मंगाती थी द हिंदू, मैं तो हार्ड कॉपी मंगाती थी, उसी से पढ़ती थी। बाकी अगर आप लोगों को, आप थोड़े दिन पढ़ के देखिएगा, ऑनलाइन पढ़ के देखिएगा उनकी साइट से, द हिंदू की साइट से, अगर आपको ठीक लगे तो उससे पढ़िएगा, वरना आप न्यूज़पेपर मंगा लीजिए। और डेली आपको द हिंदू पूरा नहीं पढ़ना है, ये भी आप समझ लीजिए। अगर आप द हिंदू पूरा पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपका काफ़ी समय इसमें चला जाएगा और वो आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं है। यूज़फुल आपके लिए क्या है, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मैं बता रही हूँ केवल। यूज़फुल आपके लिए द हिंदू में रहेगा एडिटोरियल। एडिटोरियल आपको 45 मिनट्स पढ़ना ही है। एडिटोरियल भी कौन सा वाला, मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगी कौन सा वाला द हिंदू का एडिटोरियल आपको पढ़ना है। अगर आपको क्लियर नहीं है, कुछ लोगों को जैसे नहीं पता होगा कि कौन सा मैं क्या बोल रही हूँ न्यूज़पेपर में पढ़ने को, तो मैं बता दूंगी आपको एक वीडियो में जल्दी से कि एडिटोरियल में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एडिटोरियल पढ़ते टाइम अगर आप मीनिंग्स लिख सकते हो किसी कॉपी में, एक कॉपी बना लो तो आप उसमें मीनिंग्स लिख लीजिए। कुछ टाइम, अगर 1 से 2 महीने आप मीनिंग्स लिखने लगेंगे तो 2 महीने बाद आपको खुद ही लगने लगेगा कि आपको मीनिंग्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। जो मेन पर्पस है एडिटोरियल पढ़ने का वो एक्यूरेसी में काम आता है। अगर आप एडिटोरियल डेली पढ़ रहे हैं, आप कितना भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये सब पढ़ लीजिए, रट लीजिए, एक्यूरेसी आपकी नहीं मेंटेन होगी एग्जाम्स में, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो। इवन वीक भी नहीं कहूंगी, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले CBSE, हमारे CBSE ICSE बोर्ड वाले भी इंग्लिश में रह जाते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे आपको चाहिए रहेगा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग चाहे आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हो, चाहे आपके इरर्स हो, चाहे रीअरेंजमेंट हो, या फिर आपका कॉम्प्रिहेंसन हो, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग मेन रहेगा उसमें। और वो अंडरस्टैंडिंग आपको एडिटोरियल पढ़ने से आ जाएगी। आप 2 महीने एडिटोरियल पढ़ेंगे, विश्वास मानिए, 3रे महीने से
आपको खुद से मन करेगा, एडिटोरियल पढ़े बिना आपका दिन कंप्लीट नहीं होगा। मुझे आदत हो गई थी क्योंकि द हिंदू पढ़ने की, एडिटोरियल ही पढ़ती थी मैं, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेती, जैसे बिजनेस वाला पेज होता है, अगर आपके पास टाइम है आप पढ़ लीजिए वो, बट अगर नहीं पढ़ पा रहे आप 45 मिनट्स दीजिए, एडिटोरियल पढ़िए और ख़त्म करिए, ठीक है। देन 45 मिनट्स आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एक बार पढ़ लिया है छोड़ दीजिए पढ़ के, उसको बार बार मत रटिए, एग्जाम हॉल में वो काम नहीं आएगा। एग्जाम हॉल में आपका क्या काम आएगा, प्रैक्टिस काम आएगी आपकी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना ज्यादा आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चंस बहुत लोग अटेम्प्ट करके आते हैं, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैंने 90 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस किए हैं अटेम्प्ट, बट सिलेक्शन नहीं होता है उनका, सिलेक्शन आपका होता है एक्यूरेसी से। आप कितना पढ़ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्यूरेसी। स्पीड आपकी मेंटेन हो जाएगी अगर आप एक बार एक्यूरेसी को आपने पकड़ लिया और प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं, स्पीड आपकी मेंटेन हो जाएगी 1 से 2 महीने में, ठीक है। इंग्लिश में भी आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, किसके लिए क्या, वैसे तो आपको देखिए खुद ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका प्लस पॉइंट क्या है और आपका माइनस पॉइंट क्या है, चाहे वो सब्जेक्ट्स में हो कि इंग्लिश में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो या क्वांट्स में कर सकते हो। रीजनिंग में मोस्टली सभी अच्छा स्कोर कर लेते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की है तो, फिर इंग्लिश और मैथ्स में ही ज़्यादातर रहता है कि किसी की मैथ्स अच्छी होती है तो वो मैथ्स से नंबर खींच लेता है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है तो वो इंग्लिश से नंबर खींच लेता है। तो ये तो पर्टिकुलर पर्सन पर डिपेंड करता है, आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कौन सा सेक्शन प्लस है और कौन सा सेक्शन माइनस, क्योंकि फिर आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा ताकि आप कट ऑफ भी क्वालिफाई कर लो और मेंस में भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। देन इसके बाद मैं एसटी डालने वाली थी बट मैंने एसटी नीचे रख दिया है। स्पीड टेस्ट आपको करना है, स्पीड टेस्ट आपको डेली जब तक आपका प्री नहीं हो जाता है, हर अल्टरनेट डेज में आपको एक स्पीड टेस्ट देना ही देना है, 1 आवर का होता है, ठीक है। डेली नहीं कह रही हूं मैं क्योंकि स्पीड टेस्ट का सोल्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप केवल स्पीड टेस्ट दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं है आपका, अगर आप सोल्यूशन नहीं देख रहे हो उसका। तो आपको अल्टरनेट डेज में एक स्पीड टेस्ट देना है, 1 आवर का होता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको उसी स्पीड टेस्ट का जो आपने दिया था सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन में आपको क्या करना है, सोल्यूशन में आपको जो आंसर जो क्वेश्चंस आपके गलत हो गए हैं वो करने हैं, जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हो वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो फिर उसको सोल्यूशन देखना है, ठीक है। इस तरह से आपको स्पीड टेस्ट देना है हर अल्टरनेट डेज पे और नेक्स्ट डे आपको उसका सोल्यूशन करना है, और सोल्यूशन के लिए भी आप एक कॉपी बना के चलिए। हर चीज़ के लिए आप प्रॉपर वे में चलिए कि आपको जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आया उसमें आपको कुछ मिला पॉइंट, आप उसको लिखिए कहीं पे, तो उससे आपका क्वेश्चन पेपर में अगर उसी तरह का आप कहीं फंसते हो तो आप इजीली उसको कर ले जाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, अच्छा स्पीड टेस्ट को भी देने का तरीका होता है, क्योंकि जिस तरह से आप स्पीड टेस्ट दोगे उसी तरह से आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, तो उसका भी एक तरीका है आपको कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चंस बाद में करने हैं, किस तरह से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है ताकि आप कहीं भी फंसो मत, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर ऐसे सेट किया जाता है कि कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे डालते हैं जो करने के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ आपको फंसाने के लिए होते हैं, आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए होते हैं, उनसे बचना है। तो कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगी अच्छे से। इसके आगे चलते हैं, जीए पे आते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि मैडम प्री में तो जीए आती नहीं है फिर जीए क्यों पढ़नी है, तो मैं बता दूं आपको कि देखो प्री आपका हो जाएगा लास्ट नवंबर और स्टार्टिंग दिसंबर में, देन फिर उसके बाद आपका मेंस, जब आपका रिजल्ट आएगा रिजल्ट प्री के रिजल्ट के बाद आपको मेंस के लिए मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 15 डेज मिलने हैं, अगर तब आप जीए स्टार्ट करोगे तो सॉरी बट आपका प्री तो शायद निकल जाएगा बट मेंस नहीं निकल पाएगा। आपको दोनों चीज़ों के लिए साथ में प्रिपरेशन करके चलनी है, इसीलिए मैंने जो टाइम टेबल बनाया है वो आपका 7 to 8 आवर्स का बना है, ठीक है। और 7 to 8 आवर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 24 आवर्स होते हैं, आप आराम से 7 to 8 आवर्स दे सकते हैं। कोई भी 12 घंटे 16 घंटे के पढ़ के पेपर नहीं निकालता है, सब 7 से 8 घंटे ही पढ़ते हैं
और उनके एग्ज़ाम्स भी निकलते हैं। एक एग्ज़ाम नहीं निकलता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी निकलते हैं। बस डिपेंड करता है कि आप रेगुलर उस चीज़ को करें। एक दिन करके आपने छोड़ दिया अगर, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। ठीक है, जीए पे आ जाते हैं। जीए में आपको बस 1 आवर देना है, ज़्यादा नहीं देना है 1 आवर से। अगर आपको लग रहा है कि आपको मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है क्योंकि प्री है आपका, तो जीए के 15 मिनट्स घटा दीजिए, 45 मिनट्स दीजिए जीए को, और बाकी जो 15 मिनट्स बचते हैं वो आप इसमें कर लीजिए। ठीक है, और जीए में आपको कैसे पढ़ना है, डेली जीके अपडेट आता है। आप हेलो स्कॉलर में जाएंगे तो देख सकते हैं कि डेली का आपको जीके अपडेट आता है, डेली की न्यूज़ आती है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती है डेली की, मुश्किल से 8 to 10 न्यूज़ आएंगी डेली की। उन 8 to 10 न्यूज़ को आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं। एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए करंट अफेयर्स के लिए, उसमें आप नोट्स बनाइए। नोट्स अगर आप नोट्स बना रहे हैं तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस मेंस में सही कर पाएंगे जीए के। अगर आप सिर्फ पढ़ के छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो कन्फ्यूज़न होगा ना ऑप्शंस के बीच में, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। और मे भी आप सही करके आ जाओगे और यहाँ आओगे तो आप देखोगे कि गलत है आपका वो आंसर। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप 1 आवर दीजिए, 30 मिनट्स में आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। 30 मिनट्स उसको लर्न करिए, जैसे हम लोग हाई स्कूल इंटर में किया करते थे, याद करते थे चीज़ों को, सेम वैसे ही आपको करना है। आपको नोट्स बना के छोड़ नहीं देना है पढ़ के, उसको याद करना है। और जीए के नोट्स का भी थोड़ा सा अलग तरह से अगर आप बनाएंगे तो जो आपका बाकी 2 सेक्शन है जीए के, वो भी आपके उसमें कवर हो जाएंगे। बता देती हूँ मैं आपको, अगर आप जीए अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपका जो स्टैटिक और बैंकिंग है 70% वो भी इसमें कवर हो जाएगा जीए में। कैसे? ऐसे ही, क्योंकि बैंकिंग पहले क्या होता था, पहले जब बैंकिंग एग्ज़ाम्स में क्या रहता था कि बैंकिंग के मतलब पुरानी बैंकिंग आती थी, मतलब जैसे आरबीआई के बारे में पूछ लिया, कब इस्टेब्लिश हुआ था, या क्लीन नोट पॉलिसी पूछ ली, ये सब पूछ लेते थे। बट अब क्या है ना कि अब बैंकिंग को बैंकिंग अवेयरनेस कर दिया है। ठीक है, अब बैंकिंग को बैंकिंग अवेयरनेस कर दिया है। बैंकिंग अवेयरनेस से मतलब है जो न्यूज़ आपकी चल रही होगी करंट में, उससे रिलेटेड बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वैसे ही मिलेंगे। ठीक है, और स्टैटिक में भी सेम है। पहले क्या होता था, आपको पूरी स्टैटिक, अभी भी आप स्टैटिक्स पूरी पढ़ के जाइएगा स्टैटिक अवेयरनेस, बट अगर आपको थोड़ा ईजिली स्टैटिक को कवर करना है तो करंट अफेयर्स के साथ ही आप स्टैटिक का पोर्शन भी कवर करते चलिएगा। कोई भी स्टेट अगर आ रहा है करंट अफेयर्स में तो उसके सीएम कौन है, उसके गवर्नर कौन है, उसकी कैपिटल क्या है, उसका डांस क्या है, आप ये सब देखते चलिएगा। तो आपका उसके करंट अफेयर्स के साथ ही आपका स्टैटिक भी हो जाएगा। ठीक है, इसको डेली आपको, मैं अभी की बात कर रही हूँ, प्री के बाद की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ सके। आपको 30 मिनट्स ज़्यादा लग रहे हो, आप 20 मिनट्स ही दीजिए, बट दीजिए ज़रूर टाइम इसको, क्योंकि सारे टॉपिक्स, सारे जो आपका सारे सब्जेक्ट्स हैं वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं आपके। तो आपको डेली 20 मिनट्स इसको देने हैं। बैंकिंग का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हेलो स्कॉलर वेबसाइट में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टैटिक अवेयरनेस का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, साथ में करंट अफेयर्स के साथ मैंने जैसे आपको बताया है वो जरूर करते चलिएगा। उससे आपको इजीली बैंकिंग और स्टैटिक के क्वेश्चंस एग्जाम में पढ़े हुए मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। कंप्यूटर अब देखिए SBI PO में आप देखेंगे नोटिफिकेशन में तो कंप्यूटर दिया हुआ है रीजनिंग के साथ, बट काफ़ी टाइम से कंप्यूटर के क्वेश्चंस PO में आ नहीं रहे हैं। बट फिर भी आप 20 to 30 मिनट्स दीजिए, क्योंकि IBPS हो या SBI, इनको पैटर्न चेंज करने में टाइम नहीं लगता है। तो आप डेली 20 to 30 मिनट्स दीजिए, जितना भी आप दे सकते हैं उतना दे दीजिए। मैक्सिमम मैंने लिखा कि 30 मिनट्स तो दे ही दीजिए डेली। 30 मिनट्स तो आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो 30 मिनट्स नॉर्मल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा 30 मिनट्स कब हो जाएगा। तो आप कंप्यूटर को भी दीजिए इतना टाइम। ठीक है, कंप्यूटर का भी पीडीएफ आपको हेलो स्कॉलर की वेबसाइट में मिल जाएगा।
और बाकी कंप्यूटर के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो सेट होते हैं वो भी मिल जाएंगे आपको, वो लगा सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कंप्यूटर में। ठीक है, आई होप कि आप सबको टाइम टेबल अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इस तरह से अपना टाइम टेबल बना के उसे अच्छे से फॉलो करेंगे, जिससे कि आपका सिर्फ SBI PO ही नहीं बाकी सारे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हो जाए। जैसे कि मैंने भी कंप्यूटर का बताया, अगर SBI PO में नहीं भी आ रहा है तो और एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कंप्यूटर आता है, तो आप प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते चलिए। और मतलब मेरा तो ये बिलीव है कि अगर आप इस तरह से टाइम टेबल बना के डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो लेवल यहाँ है वो यहाँ आते टाइम नहीं लगेगा, और जैसे ही आपका लेवल यहाँ आएगा फिर एक एग्ज़ाम आपका नहीं निकलना है, बैक टू बैक आपके सारे एग्ज़ाम्स फिर क्वालिफाई होंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो आपका सब्जेक्ट वाइज कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और ज़्यादा टाइम देना है, मैं प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग आपसे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।